नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F05 vs Realme C65 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F05 में 6.65 इंच जबकि C65 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि F05 से कम है। विड्थ की बात करें तो F05 में 3.08 इंच जबकि C65 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि F05 से कम है। बात करें थिकनेस की तो F05 में 0.35 इंच जबकि C65 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो F05 में 195 ग्राम जबकि C65 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F05 में PLS LCD जबकि C65 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो F05 में 20:9 जबकि C65 5G में 20.5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F05 में 6.7 इंचेस जबकि C65 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F05 में 720x1600px HD+ और C65 5G में 720x1604px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F05 में 82.1% जबकि C65 5G में 85.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F05 में 262 पिक्सल प्रति इंच जबकि C65 5G में 264 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F05 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और C65 5G की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो F05 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और C65 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F05 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और C65 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F05 में Mali-G52 Megacoulomb 2 जबकि C65 5G में Mali-G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F05 में MediaTek Helio G85 और C65 5G में MediaTek Dimensity 6300 मिलता है। बात करें RAM की तो F05 में 4GB की RAM मिलती है जबकि C65 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो F05 में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि C65 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो F05 में अप टू 1TB जबकि C65 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो F05 में 1 कलर्स जबकि C65 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F05 में एक ही वेरियंट देखने को मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 799 रुपीज में मिल जाता है। वही अगर बात करें C65 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीज, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीज, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,913 रुपीज में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो सैमसंग गैलेक्सी F05 में 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी C65 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में C65 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में C65 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो के 12X 5G है, दूसरा रियलमी नाजो N65 5G है, तीसरा शाओमी रेडमी 13 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y28S 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।